आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। संत रविदास जयंती पर आज रीवा में कांग्रेस का विशाल संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ सहित पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, कमलेश्वर पटेल सहित दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है। रीवा पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए देश में बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया है, साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भी बढ़ाया। रीवा में आयोजित कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में रीवा सहित संभाग भर से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अगली सरकार कांग्रेस की बनाने की हुंकार भरी है। कर ले, लेकिन हथियार सामने आ जाती, कोशिश की गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर देखने की, लेकिन उल्टा हो गया। माननीय मोदी जी आसाराम बापू जैसे दिखने लगे, उल्टा हो गया। कोशिश कर रहे थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर देखने की और आसाराम बापू की तो शकल दिखने लगी। ये चरण आचरण है और ये व्यवहार है जो चेहरे को दिखता है, झलकता है। इसी प्रकार से वैरूपी अपन हर जगह किया, अपने कुछ साथियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में सारी चीजें बेची पड़ी, सारी चीजों का निजीकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसलिए किया था कि कोई धनाज कोई उद्योगपति गरीबों की रकम लेके रफू चक्कर ना हो जाए अपने बैंक में जमा करके। इसलिए सरकार की सहभागिता हो, सरकार के पास उनका धन सुरक्षित रहे। सारी चीजें बैंक दी, जीवन बीमा निगम से लेके रेलवे से लेके और तो सुरक्षा संस्थान तक को बेचने की पूरी पूरी तैयारी हो गई और सिर्फ अपने उद्योगपति साथियों के लिए। क्यों, क्या कारण है? साथ रहने के लिए जादू खरीदे जाएंगे, साथ रहने के लिए जादू खरीदे जाएंगे और बारिश के लिए आंसू खरीदे जाएंगे और बेच दोगे एक दिन तुम चांद तारे और सारे दिए, बेच दोगे एक दिन तुम चांद तारे और सारे दिए और फिर कहोगे उजालों के लिए जुगनू खरीदे जाए। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो पता चल जाए कि दूध के दूध पानी के पानी का है। बहुत सारी बात यह कही गई कि दिल्ली में को बैठ है, भोपाल में को बैठ है, लेकिन यह बात बहुत कम कही गए कि वो जो 100 रुपया मजदूरी करके कमाए की आवत है वह सरसों के तेल कैसे खरीदे। जो बेचारा गांव के किसान के बेटा के पास मोटरसाइकिल हो जाए तो वो पेट्रोल कैसे भरा। महंगाई चरम सीमा में और युवाओं का रोजगार नहीं। 15 महीना में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार रही, बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं लागू है और वापिस हम पंचे वह में पहुंच गए। जो 15 साल हम पंचे दिखे वह कहानी फिर से शुरू हो गए। वह घोषणाएं ओई मेर के लच्छेदार भाषण, लेकिन हकीकत जमीन मवनी चतुर्वेदी जी, विक्रम सिंह जी, पूर्व राजाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, उमेश वर्मा जी, आप सभी अपने साथियों के साथ हमारे नेता को सुनने आए, कांग्रेस की ताकत को मजबूत करने आए हैं। मैं उन सब का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हमेशा कहा था मैं गंगा को पठोती में गंगा, पूर्व विधायक बहुत सारे स्मरण है ऐसे जी बचाऊंगा जो आए और हम सब यही अपनी बात ले रहे हैं कि जो कहने का आकाश करें। आदरणीय ने मार्गदर्शन दिया था, कर्म पे जो विश्वास किया था उन्होंने अपने कर्म को प्राथमिकता देते हुए कभी भी अपने मार्ग से अडिग नहीं हुए और भले वो रहदास समाज में जन्म लिए थे पर आज वो पूरे समाज के पूज्य संत कहलाए हैं। तो हम सबको भी आज झूठ भरे की राजनीति चल रही है। एक तरफ संत रविदास जी थे, कर्म के लिए उन्होंने
गंगा जी में स्नान करना छोड़ दिया था, सिक्का जो भेजा था तो वहाँ गंगा जी ने ऊपर आके उनका सिक्का ग्रहण किया था। आज ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, इनसे हमें मार्गदर्शन लेना है। झूठ भरे अच्छे दिन से शुरू करके आत्मनिर्भर पर छोड़ दिया, महंगाई चरम सीमा पर है, बोलते कुछ और है, करते कुछ है, देश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, बेरोजगार चरम सीमा पर है। प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, किसी भी महीने में सरकार सफल नहीं रही है, किसानों को बर्बाद करने पर जितनी भी हमारी सरकारी कंपनियां हैं उनको सबको बेचने में खुले हुए हैं। तो किस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो गुजरात में स्टेडियम सरदार पटेल जी के नाम से बना हुआ था, जिंदा जीते जी अपने नाम मोदी जी ने करा, मालूम है कि हमारा कोई नाम नहीं लेगा, अपने जीते जी करा, पर चिंता नहीं करो, जब भी सरकार बदलेगी ये नाम वही रहेगा, क्योंकि सरदार पटेल जी है मोदी जी। एक सवाल पूछा है कि महंगाई है, कहा कोई महंगाई नहीं है, आप जाकर जान जनता से पूछ सकते हैं कितनी सच्चाई। अब आप खुद भी जो है ना इस महंगाई से पीड़ित है, चाहे आप भले पत्रकार साथी है, पर आपके घर में गृहणियां हैं, आपको मालूम है गैस सिलेंडर 100 रुपए हो गया, मंच को संबोधित करने महंगी हो गई। अब उनके पास तो दूसरे ढंग तरह का धन आ रहा है, तो उनको महंगाई अभी समझ में नहीं आएगी, महंगाई आम जनता महसूस कर रही है आज क्या स्थिति है। तो ये भाजपा के नेता इसी तरह से, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि अब महंगाई कोई विषय नहीं है, यूपीए की जब सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी नाचती हुई नजर आती थी, सुषमा स्वराज जी या दुनिया में नहीं है, वो गैस सिलेंडर लेके वो भी नाचती थी, बहुत सारे इनके नेता हैं जो महंगाई को लेके बात करते थे और कहते थे हम आधी कर लेंगे सरकार हमारी बनेगी, तो कुछ भी नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, जितने वादे किए थे एक भी काम नहीं किया, पूरे देश को बिखरा के रख दिया है। आज कोरोना के संकट काल में किस तरह की बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई इनकी गलत नीतियों की वजह से, जीएसटी एफडीआई लगातार गलत निर्णय कर रहे हैं, और इनके गलत निर्णय की वजह से आज हमारा देश हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया, और इसकी तरह इसके लिए पूरी तरह से भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं। और अब समय आ गया है, देश की जनता इनको जवाब देगी, मध्य प्रदेश की जनता भी, अभी पंजाब में चुनाव हुआ है, स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव राजस्थान में हुआ है, हमारे किसी को भी मौका नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मौका मिला है, और यहाँ भी यही होने वाला, इसीलिए भगने की कोशिश है। समर्थक भी जुड़ चुके हैं कल, सभी जिला कांग्रेस कमेटी, देखिए उन्होंने क्या विरोध किया, मुझे इसी तरह से, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि अब महंगाई कोई विषय नहीं है, यूपीए की जब सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी नाचती हुई नजर आती थी, सुषमा स्वराज जी या दुनिया में नहीं है, वो गैस सिलेंडर लेके वो भी नाचती थी, बहुत सारे इनके नेता हैं जो महंगाई को लेके बात करते थे और कहते थे हम आधी कर लेंगे सरकार हमारी बनेगी, तो कुछ भी नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, जितने वादे किए थे एक भी काम नहीं किया, पूरे देश को बिखरा के रख दिया है। आज कोरोना के संकट काल में किस तरह की बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई इनकी गलत नीतियों की वजह से, जीएसटी एफडीआई लगातार गलत निर्णय कर रहे हैं, और इनके गलत निर्णय की वजह से आज हमारा देश हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया, और इसके लिए पूरी तरह से भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं। और अब समय आ गया है, देश की जनता इनको जवाब देगी, मध्य प्रदेश की जनता भी, अभी पंजाब में चुनाव हुआ है, स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव राजस्थान में हुआ है, हमारे किसी को भी मौका नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मौका मिला है, और यहाँ भी यही होने वाला, इसीलिए भगने की कोशिश है। समर्थक भी जुड़ चुके हैं कल, सभी जिला कांग्रेस, देखिए उन्होंने क्या विरोध किया। मुझे इस बार युवाओं की जबरदस्त भूमिका नगर निकाय चुनाव में रहेगी, और सारे वरिष्ठ नेता इस बात से सहमत हैं कि जब तक युवाओं को आप मौका नहीं देंगे, उनको प्रतिनिधि नहीं देंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी का भविष्य सुनिश्चित नहीं होगा, और इसलिए इस बार आप देखेंगे कि इस बार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने हक के लिए प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भविष्य की एक मजबूत नींव बनकर। इसके लिए कांग्रेस संगठित है क्या, संगठित है क्या कांग्रेस, संगठन पूरी तरह से संगठित है, और आने वाले चुनाव में हम अपनी ताकत आपको चुनाव के माध्यम से दिखाएंगे। नौजवानों के